हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दांतराई समीपवर्ती धान गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 65वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कबड्डी 2021 छात्र वर्ग 19 वर्ष प्रतियोगिता शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ में मुख्य अतिथि सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल व अधीक्षकता भोपाल राम पुरोहित, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेवतर तथा विशिष्ट अतिथि शंकरलाल राणा, सरपंच ग्राम पंचायत धान रहे। इस अवसर पर अतिथियों के आगमन पर ग्रामीणों की ओर से ढोल धमाकों के साथ समैया कर स्वागत किया गया तथा प्रतियोगिता का शुभारंभ सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात अतिथियों का माला व साफा पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने प्रतियोगिता के शुभारंभ में अपने उद्बोधन में कहा कि हमें कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अभी ये बीमारी अपने बीच से गई नहीं है। भले ही वैक्सीन के दो डोज लग गए हो, फिर भी मास्क व दो गज की दूरी जरूरी है तथा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की उपस्थिति जन समुदाय को अपील की गई तथा पढ़ाई के साथ साथ भी खेल के भी जीवन में बहुत आवश्यक है। खेल के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खेल खेलने से एकाग्रता भी बढ़ती है तथा प्रतियोगिता में खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। इससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भोपाल पुरोहित ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। खेल को केवल हार जीत का माध्यम से न मानकर स्वस्थ प्रतियोगिता मानकर चलना चाहिए तथा बिना भेदभाव के अपने खेल से अपने गाँव व देश का सम्मान बढ़ाना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं खेल संयोजक महेश कुमावत ने भी सभी आगंतुक अतिथियों व खेल प्रभारियों, भामाशाहों तथा ग्रामवासियों का आभार जताया तथा सभी का स्वागत व अभिनंदन किया। धान सरपंच शंकरलाल राणा ने ग्रामीणों की ओर से गांव की मुख्य समस्याओं की ओर से ध्यान दिलवाया। जिला कलेक्टर को आवागमन हेतु बस की व्यवस्था, पेयजल व सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति जारी करवाने की मांग रखी। इस समारोह में मोहन पुरोहित, प्रेमा राम, एडवोकेट धनराज पुरोहित, मानाराम चौधरी, भावाराम चौधरी, सातलाजी देवासी, भाजपा नेता महेंद्र चौधरी, मोतीराम गोदाराम, पन्नाराम, सोपाराम, सदाराम व अशलाराम छगनजी राव, वार्ड पंच जबर सिंह जी राव, परखाराम भलाराम, नगाराम तथा अभिलेख निरीक्षक जगदीश जी रावल, धान पटवारी मीना पंचाल तथा खेल प्रभारी तेज सिंह, भेराराम देवासी, वरिष्ठ अध्यापक मोटाराम देवासी, मुकेश पुरोहित रेवतर, देव किशन पुरोहित, व्याख्याता अमृत राज पुरोहित असावा व त्रिभुवन सिंह चारण, स्थानीय मीडिया कर्मी तथा सभी ग्रामीण भी उपस्थित थे। इस खेल प्रतियोगिता में कुल 38 टीमों ने भाग लिया तथा इसमें से 434 खिलाड़ी उपस्थित हुए हैं। इस प्रतियोगिता का 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजन रखा गया है। जिला कलेक्टर ने प्रथम रेड देकर अजीत विद्या मंदिर सिरोही व उच्च माध्यमिक विद्यालय भारजा के बीच उद्घाटन मैच का शुभारंभ करवाया। इस मैच में भारजा की टीम विजेता रही। जागरूक टीवी के दांतराई से पूनम चंद पुरोहित की रिपोर्ट।